ऑलराइट, इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं दो ड्रामे की एक साथ रिव्यू। पहला है अपना कास्ट वे दीवा और दूसरा है माय लवली गर्ल। इन दोनों का रिव्यू मैं एक साथ करने वाला हूँ। तो फाइनली कास्ट वे दीवा की जो हिंदी की एपिसोड है वो परसों के डेट में डाली गई। अभी तक दो एपिसोड डाली गई और उन दोनों एपिसोड को मैंने देख करके खत्म कर दिया है और उन्हीं दो एपिसोड के बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ कि आपको ड्रामा में क्या सारी चीजें देखने मिलने वाली है। तो ड्रामा कॉमेडी रोमांस लाइफ पे बेस्ड है जिसको 8.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10, जिसको पूरी तरीके से देखने के लिए आपको 12 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे 20 मिनट के अराउंड में रखकर प्रेजेंट करी गई है। ड्रामे के अंदर कहानी है एक लड़की जिसका नाम है सियो मोखा। जो मोखा है वो 9th क्लास की स्टूडेंट है जिसका सपना है एक सिंगर बनना। अब एक दिन अपने सपने को पूरा करने के लिए मोखा सियोल जा रही होती है, तभी उसके साथ कुछ ऐसे हादसा होता है जिसके वजह से वो एक आइलैंड पे अकेले फंस जाती है। ऐसा क्या होता है, क्या हादसा होता है, तो जब आप ड्रामा देखोगे तो आपको पता चलेगी। अब वो उस आइलैंड पे 15 सालों तक फंसी रह जाती है। जब वो 15 साल बाद उस आइलैंड से निकलती है तो वो पाती है कि जो दुनिया काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और सारी चीजें बदल चुकी है। तो बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर ये देखना कि किस तरह से इस एडवांस दुनिया में वो सरवाइव करती है जिसका उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, और इसके अलावा वो क्या उसकी जो सपना है सिंगर बनने का वो पूरा हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, और जो वो लड़का होता है जिसका नाम कीहू होता है जो कि उसके इस सपने को पूरा करने में मदद करता है, वहां से सियोल आने में मदद कर रहा होता है, उसका अब क्या हुआ, वो कहाँ है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस टाइम को एंड तक देखना पड़ेगा। तो इस ड्रामे के अंदर जो एक्ट्रेस तुम्हें देखने मिलती है वो जो एक्ट्रेस है ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी बू में, उसकी जो एक्टिंग थी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, तुम लोगों ने देख रखा होगा। तो इस ड्रामे के अंदर तुम्हें उसी लेवल की एक्टिंग देखने मिलती है। बाकी जिस तरह से ड्रामे की कहानी को प्रेजेंट करा गया है इन दो एपिसोड में तुम्हें पूरी तरीके से कनेक्ट कर लेती है। हमें जो स्टोरी जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है ये फील हो रहा है कि आगे चल के तुम्हें एक अच्छी खासी लव ट्रायंगल भी देखने मिलेगी। ड्रामे के अंदर तुम्हें जो कॉमेडी देखने मिल रही है वो अच्छे से तुम्हें एंटरटेन करेगी। एक चीज काफी ज्यादा अच्छा लगा जो इसकी म्यूजिक यानी कि जो इसमें जो गाना है वो आपको काफी ज्यादा फील होगा, भले ही वो समझ में नहीं आएगी लेकिन आप उसे फील करोगे कि जो म्यूजिक है वो जबरदस्त है। तो देखो अगर तुम लोगों को इस तरह के ड्रामे देखना पसंद है तो तुम इसको देख सकते हो। ड्रामा तुमको अच्छा खासा थ्रिल प्रोवाइड करेगी, रोमांस प्रोवाइड करेगी, कॉमेडी प्रोवाइड करती है। तो अगर तुम्हें ये सारी चीजें देखना पसंद है तो तुम इस ड्रामे को देख सकते हो जो कि नेटफ्लिक्स पे तुम्हें मिल जाएगी। लाइट चली गई। अब बात करते हैं अगला ड्रामा यानी कि माय गर्ल कोरियन ड्रामा के बारे में जो कि अतरंगी ऐप पर रिलीज करी गई। ड्रामा जो एक म्यूजिकल रोमांस पे बेस्ड है जिसके अंदर आपको टोटल 16 एपिसोड देखने पड़ते हैं, जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे के अराउंड में रख के प्रेजेंट करी गई है, और अभी तक इसकी 4 एपिसोड रिलीज करी गई है और उन्हीं 4 एपिसोड के बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ कि ड्रामा कैसा है। अगर बात करें कहानी की तो ड्रामे के अंदर कहानी देखने मिलता है एक लड़का जिसका नाम होता है लीहू, जो लीहू ने एक म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर है। काफी साल पहले उसकी जो एक गर्लफ्रेंड होती है उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एक दिन वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है यूनसेना, जो कि उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड की छोटी बहन होती है। अब जो यूनसेना उसका सपना होता है एक सॉन्ग राइटर तथा एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना। अब जो लियो ने यूनसेना से मिलता है तो धीरे धीरे इसके प्यार में पड़ जाता है। बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर ये देखना है जो यूनसेना उसका सपना पूरा होता है या फिर नहीं होता, और जब उसे पता चलेगा जो उसका बॉयफ्रेंड बनने वाला है वो ऑलरेडी उसकी बड़ी बहन की बॉयफ्रेंड रह चुका है, और उसके इस सपना को पूरा करने की जो राह होती है उसमें कितनी सारी मुसीबतें आती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। देखो सबसे पहले बात करूंगा ड्रामे की डबिंग इतनी ज्यादा वाहियात करी है कि कसम से बता रहा हूँ जो तुम्हारा सर दर्द करने लगेगा। एक तो ड्रामा काफी ज्यादा ओल्ड है, सिनेमेटोग्राफी इसकी ओल्ड है। ड्रामे में तुम्हें कहानी देखने मिलती है, इसकी जो स्क्रीन डायलॉग है या फिर इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा वीक है। फिर भी ड्रामे को तुम देख सकते थे, थोड़ा बहुत अच्छा लग सकता था, लेकिन इसकी जो डबिंग करेगी ना भाई साहब तुम बीच में छोड़ दोगे। जो कहानी तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती और सारी चीजें काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि जिसको तुम बहुत ही आसानी से गेस कर लेते हो कि आगे क्या होने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पूरे ड्रामे में मुझे एक ही चीज अच्छी लगी, वो है ड्रामे की एक्ट्रेस, बाकी चीजें भैया बर्दाश्त के बाहर है। अगर तुम देखना भी चाहते हो तो भाई प्लीज इसको ओरिजिनल लैंग्वेज विद सबटाइटल देख लेना, लेकिन इसकी डबिंग के साथ मत देखना। बाकी आगे तुम लोगों की मर्जी, मैं कौन ही हूं तो भाई तुमको बताने वाला, तो देख लो तुम्हें क्या करना है नहीं करना। बाकी मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर।